माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गत 10 वर्षों में विकसित भारत और विकसित राजस्थान की संकल्पना हुई है साकार। शुद्ध पेयजल जीवन के लिए एक अनिवार्य तत्व, इसके बिना नामुमकिन है जीवन की कल्पना। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया जल जीवन मिशन, अब राजस्थान के हर घर को मिलने लगा है शुद्ध पेयजल। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पेयजल की समस्या दूर करने के लिए किए जा रहे हैं भगीरथ प्रयास। ईसरदा दौसा पेयजल योजना पैकेज 4 में दौसा जिले के बसवा और सिकराय ब्लॉक की 660 करोड़ रुपए की परियोजना से 368 गांवों के 65,000 से अधिक घरों में जवाई क्लस्टर प्रथम से पेयजल की 128 करोड़ रुपए की योजना से पाली जिले में 99 गांवों के 24,000 से अधिक घरों, जालौर जिले के 277 गांवों की नर्मदा कैनाल आधारित 536 करोड़ रुपए की परियोजना से 277 गांवों के 1,20,000 घरों, 269 करोड़ रुपए की पोकरण फलसूंड बालोतरा सिवाना पैकेज 4B पेयजल परियोजना से 167 गांवों के 40,000 घरों, 335 करोड़ रुपए की चंबल धौलपुर भरतपुर पैकेज 4 पेयजल परियोजना से 406 गांवों के 98,000 घरों, 238 करोड़ रुपए की बूंदी जिले की गरड़दा पेयजल परियोजना से 118 गांवों के 22,000 घरों में स्वच्छ पेयजल होगा उपलब्ध। इसके साथ ही सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाए गए निर्माण कार्यों से आम जन को मिल रहा है लाभ। बनास नदी पर लगभग 25 करोड़ की लागत से छानबास सूर्या और अमीनपुरा के बीच बनाए गए 1200 मीटर लंबे वेंटेड कॉजवे से आसान हुई ग्रामीणों की राह। आबू रोड मावल सेक्शन के LC 132 पर 35 करोड़ की लागत से 686 मीटर के आरओबी का निर्माण। इसके साथ ही नवलगढ़ रेलवे स्टेशन से बिबासर रोड के चौड़ाईकरण और सुदृढ़ीकरण का हुआ कार्य। 42 करोड़ की लागत से 3.75 मीटर से 7 मीटर चौड़ी की गई सड़क। ऐसे ही प्रयासों से खिल रही चेहरों पर मुस्कान, विकसित हो रहा राजस्थान।